नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हैप्पी होली। आज हम बनाएंगे फिल्ड वाली मठरी जो बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी होती है। तो चलिए बनाते हैं और आप अपने मेहमानों को उसको जरूर खिलाइए। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। करीब आधा किलो मैदा लिया है और जिसे हमने छलनी की सहायता से चाल लिया है। अब इसमें हम करीब एक टीस्पून अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे। अब इसमें दो कलछी तेल डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। अब इस तरह से हाथ में आटे को उठा के देखेंगे कि मुट्ठी बन रही है। अगर बन रही है तो मतलब आपके आटे का मोयन बिल्कुल ठीक है। अब हम इस आटे को पानी की सहायता से एक डो बना लेंगे। ये देखिए डो रेडी है। फिलिंग के लिए हमने लिया है 2 कटोरी बेसन। अब इसमें आधा चम्मच मगरेल डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच खटाई और नमक। इसमें 1 कलछी ऑयल डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने बेसन का डो बना लिया है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे ताकि हम इसको खस्ते के अंदर फिल कर सकें। ये देखिए गोलियां बन गई हैं। अब इसे मठरी के अंदर फिल करेंगे। ये देखिए लोइयों को हमने इस तरह काट लिया है। फिर अब इसे हम हाथ से दबा करके बिल्कुल पतला कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए अब हम इसके अंदर अपने बेसन की गोलियों को रखेंगे और इसको इसके अंदर भर देंगे। ये देखिए पेड़ तैयार है। अब इसको हम बेलेंगे। चलिए अब तलने के लिए इसको डालते हैं। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे बनाएंगे ताकि मठरियां अंदर से क्रिस्पी हो सके। ये देखिए मठरियां तैयार हैं।